दोस्तों, आए दिन हम सुनते हैं कि कोई उल्का पिंड धरती से टकराने वाला है, लेकिन इस बार गीजा के पिरामिड से 2 गुना बड़ा एस्टेरॉयड तेजी से धरती की तरफ आ रहा है। ये 6 सितंबर को धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों को आशंका है कि यह धरती के वायुमंडल से टकरा सकता है। भारतीय समय अनुसार ये 6 सितंबर को दोपहर 3:30 पर धरती के वायुमंडल से टकरा सकता है। इस एस्टेरॉयड का नाम है अपोलो एस्टेरॉयड, क्योंकि यह धरती की कक्षा को पार कर रहा है और यह धरती के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम है 4658242010FR। वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक एस्टेरॉयड को 10 साल पहले खोजा था। सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के वैज्ञानिक ने कहा कि बाकी एस्टेरॉयड की तरह यह भी धरती के बगल से गुजर जाएगा। इससे धरती को कोई खतरा नहीं है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने खतरे की आशंका जताई है। ये उल्का पिंड धरती की तरफ 50,533 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है, यानी करीब 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति। ये एस्टेरॉयड 270 मीटर चौड़ा और 886 फीट लंबा है। ये मिस्र में स्थित गीजा के पिरामिड की तुलना में 2 गुना बड़ा है। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वैसे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एस्टेरॉयड धरती के बगल से गुजर सकता है, लेकिन इसके वायुमंडल में घुसकर निकलने की प्रक्रिया काफ़ी खतरनाक हो सकती है। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में फंसकर यह धरती या समुद्र में गिर सकता है। नासा के वैज्ञानिक इन एस्टेरॉयड पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि इसकी गति बहुत तेज है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे एस्टेरॉयड के हर 100 साल में धरती से टकराने की 50,000 संभावनाएं होती हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से ये पृथ्वी के किनारे से निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे एस्टेरॉयड को लेकर कहा कि छोटे उल्का पिंड कुछ मीटर के होते हैं, ये अक्सर वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं। इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। साल 2013 में लगभग 20 मीटर लंबा एक उल्का पिंड वायुमंडल में टकराया था। एक 40 मीटर लंबा उल्का पिंड 1908 में साइबेरिया के वायुमंडल में टकरा कर जल गया था। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये तो 6 सितंबर को ही पता चलेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।